हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची में अमीर वालदेन की बिगड़ी औलाद ने मां का जवान लखते जिगर छीन लिया। सीव्यू दो दरिया के करीब मोटरसाइकिल को मामूली टक्कर पर अमीर जादों ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से फ्रंट सीट पर बैठा 18 साला जाफिर जिंदगी की बाजी हार गया। साथ में मौजूद जैद भी जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचा। पुलिस ने फायरिंग करने वाले खावर और उसके चार भाइयों को खालिद बिन वलीद रोड से गिरफ्तार कर लिया। रखे हुए असला दिया हुआ है जिनके पास कोई वो नहीं है, कोई उनको कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। 18 साल उम्र थी और नाश्ता करने दो दरिया जा रहे थे और ये वहाँ पे बीच एवेन्यू पे विलेज रेस्टोरेंट है उसके नजदीक ये हादसा हुआ। जवान साला जाफिर के कत्ल ने अहले खाना को झंझोर कर रख दिया। मकतूल के मामू कहते हैं अभी तो कॉलेज में दाखिला लिया था, आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन जालिमों ने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जख्मी नौजवान जैद के चचा कहते हैं मुलजिमान को सजा दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कौन सा वज़ीर-ए-आज़म है जिस पे इल्ज़ाम नहीं लगा? माफी नहीं मिली किसी वज़ीर-ए-आज़म को। हर बार वज़ीर-ए-आज़म ही गलत होता है, कभी चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ स्टाफ गलत नहीं हो सकता। क्यों परवेज़ मुशर्रफ का हम एहतसाब नहीं कर सके? क्यों चीफ जस्टिस जो थे इफ्तिखार चौधरी, उनके बेटे का मामला आया तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई? हर बार वजीर आजम को इल्जाम लगाकर निकाला गया। हम झगड़ा नहीं चाहते लेकिन हमेशा सियासतदान और सिविल ब्यूरोक्रेसी ही का एहतसाब क्यों? दूसरों का एहतसाब क्यों नो गो एरिया बन जाता है? इस अदलिया के लिए मार नहीं खाई थी कि जिसके फैसलों पर सवाल उठें। अदालती फैसले से नाअहल होने वाले नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने पर फख्र है। साद रफीक के वार कहा कुछ दोस्तों का पार्टियां बनाने का शौक पूरा ही नहीं हो रहा, PSP से कुछ नहीं होने वाला। एक नजरिए का नाम है, नजरिया करप्शन। जस्टिस जावेद इकबाल साहब आपसे इस सारे मजबे के सामने के वो जो एसएन इकबाल है उसका भी काम है को इन्वेस्टिगेट करें। कप्तान ने नवाज शरीफ को नजरिया करप्शन करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि उनके साथियों का नजरिया भी करप्शन है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ पर दुबई में जाली कंपनी के लीगल एडवाइजर होने का इल्जाम आयद किया। कहा कि क्या दुनिया में कोई वजीर खारिजा बैरून मुल्क नौकरी करता है? इमरान खान के लीगी कयादत पर वार। नैब से वजीर दाखिला एसएन इकबाल के अकामे की तहकीकात का भी मुतालिबा। फौज के आने और जजेस का उनको कवर फराहम करना फैशन बना रहा। इस मामले में सियासतदान भी इस्तेमाल हुए। जो फैसले हमारी अदालतें सुनाती हैं उनका पूरी दुनिया में मजाक बनाया गया। पाकिस्तान को बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। जावेद हाशमी का अपनी किताब जिंदा तारीख की तकरीब रोनुमाई से खिताब। मार्शल लॉ के खिलाफ खड़े होने के कल्चर को खत्म कर दिया गया। रियासत ने ऐसे हालात पैदा किए कि आज हर जानिब इंतहा पसंदी दिखाई देती है। रजा रब्बानी का तकरीब से खिताब, कहा कि तमाम इदारे अपनी आईनी हद में रहें। इदारों के दरमियान महाजराई वफाक के लिए खतरा है। पाकिस्तान को जमहूरियत की जरूरत नहीं, जमहूरियत और आईन को रियासत के लिए कुर्बान किया जा सकता है। साबिक सदर परवेज मुशरफ का प्रोग्राम जी फॉर फरीदा को इंटरव्यू, कहते हैं मुल्क में 2018 के इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी का 5 दिसंबर को इस्लामाबाद में सियासी पावर शो का ऐलान। खुर्शीद शाह कहते हैं सियासी इख्तलाफात जितने हों मगर मुल्क में जमहूरी तसलसल पर समझौता नहीं होगा। रियासत के इदारों का दीगर इदारों के खिलाफ बोलना काबिले तश्वीश है। बिलावल भुट्टो की कयादत में पीपल्स पार्टी एक नए दौर का आगाज करेगी।
ख्वाबों के सौदागर मंजूर वस्तान की एक और पेश गोई, कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात हो सकती है, बिलावल और मरियम की मुलाकात का भी इम्कान है। सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की कोई जगह नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करता है। नवाज शरीफ ने नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अहम बैठक में दरपेश सियासी चैलेंजेस पर मुशावरत की जाएगी। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत दीगर अफराद शरीक होंगे। हुकूमत का मुल्क को लोड शेडिंग से पाक करने का दावा, वजीर तमन्नाई उवैस लगारी कहते हैं इस वक्त 2700 मेगावाट जायद बिजली पैदा की जा रही है, अब बिजली सिर्फ वहां जाएगी जहां लाइन लॉसेस होंगे। लोड शेडिंग फ्री फेडर पर 10 मिनट की भी लोड शेडिंग हुई तो जिम्मेदार वजारत होगी। अमरीकी वजीर दिफा पाकिस्तान पहुंचे नहीं लेकिन डू मोर का मुतालिबा पहुंच गया। जेम्स मेटिस कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के मफाद में है, अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहता है। हुकूमत का पड़ोसी ममालिक से डू मोर का मुतालबा, अमरीकी वजीर दिफा से मुलाकात का एजेंडा तैयार कर लिया। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जाएंगे, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों के खात्मे का मुतालबा और अफगानिस्तान में भारत की सरगर्मियों पर तहफ्फुज़ात से आगाह किया जाएगा। पड़ोस में छुपे लोग पाकिस्तान को सबूताश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, डू मोर के लिए कौम मजीद तैयार नहीं, जो हो गया वो काफी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेशावर हमले के जख्मियों की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है, इंडिया से फंड्स लेने वालों को दहशतगर्द समझता हूँ। वजीर दाखिला बलूचिस्तान की भी जख्मियों की मिजाज पुरसी। पाक फौज का ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क के तूलो अर्ज पर जारी, ISPR के मुताबिक FC की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, बड़ी तादाद में असलाह और बारूद बरामद, कालन तंजीम के 11 दहशतगर्दों को भी धर लिया गया। पाक सऊदिया स्पेशल फोर्सेस की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका मशकें जारी, ISPR के मुताबिक 25 नवंबर को शुरू होने वाली ये मशकें 10 दिसंबर तक जारी रहेंगी। MQM पाकिस्तान का 8 दिसंबर को हैदराबाद में सियासी पावर शो का ऐलान, फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में देही और शहरी खलीज को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ के अवाम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं लेकिन इसके बावजूद यहाँ के अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है। वजीर आला पंजाब का पीर हमीदुद्दीन सियालवी से राबता, शहबाज शरीफ की पीर हमीदुद्दीन को तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में हमीदुद्दीन सियालवी से मुलाकात भी करेंगे। लाहौर में 3.5 अरब से तैयार मुल्क के सबसे बड़े बीजिंग अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया गया, शहबाज शरीफ कहते हैं अंडरपास आला फन्ने तामीर का शाहकार है, ताउन पर चीन के शुक्रगुजार। सूफियों और अम की पहचान वादिये मेहरान, सिंध धरती की सकाफत को मनाने के लिए सूबे के हर शहर में सिंधी टोपी अजरक की तकरीबात, नौजवानों और मंचलों का लोकगीतों पर रक्स, हर सू सकाफत के रंग बिखर गए। ओकाड़ा में सेल्फी का क्रेज नौजवान की जान ले गया, नहर के खूबसूरत मंजर को कैमरे की आंख में महफूज करने की कोशिश में नौजवान नहर में जा गिरा। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा, भारतीय फौज के तहत मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट में शुरका के पाकिस्तान के हक में नारे, काबिज फौजी खामोशी से नारे सुनते रहे।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में एक और नौजवान के कत्ल से, जिसे अमीर वालदैन के बेटे ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आज साहिल समंदर पर छोटा सा वाकया 18 साला जाफिर के कत्ल का बाइस बना। ये नौजवान अपने दोस्त के साथ नाश्ता करने घर से निकला था, लेकिन 26 साला खावर के तकब्बुर का शिकार हो गया। आपको भी बताएं कि फायरिंग के इस वाकये में जाफिर जांबहक और उसका दोस्त शदीद जख्मी हुआ है। पुलिस ने मुलजिम खावर और उसके चार भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की इस वारदात ने एक बार फिर शाहजेब कत्ल केस के जख्म ताजा कर दिए हैं, जिसे अमीर जादे शाहरुख जतोई ने कत्ल कर दिया था। कराची में एक बार फिर बड़े वालदैन की औलाद ने घर उजाड़ दिया। शाहजेब कत्ल जैसा एक और वाकया पेश आया, जिसे शाहरुख जतोई ने कत्ल कर दिया था। कराची सीव्यू पर कुछ अमीर ज़ादे गाड़ियों में पहुंचे। सुबह का वक्त था, डिफेंस का रिहायशी 18 साला जाफिर भी नाश्ते के लिए घर से निकला। दोस्त जैद भी साथ था। वालिद की गाड़ी में सीव्यू से गुजरा कि अचानक सामने मोटरसाइकिल सवार आ गया। मोटरसाइकिल को गाड़ी से टक्कर लग गई। हवास बाख्ता जाफिर ने गाड़ी ना रुकी और भाग निकला। मोटरसाइकिल सवार के साथ दो गाड़ियों में उनके साथी भी थे, जिन्होंने पहले जाफिर का ताकुब किया, फिर कार ना रोकने पर फायरिंग कर दी। सिल्वर कलर की मर्सिडीज में एक गाड़ी ने मुझे ओवरटेक किया, आगे गया, एक बाइक वाले को उड़ा दिया। गार्डों ने उसको रोक लिया, फिर फायर मार दिए थे गार्डों ने। आप क्या, दोनों नौजवान शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाफर तो जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि फैसल जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। गाड़ी पर 7 से 8 गोलियों के निशानात वाजे हैं। SSP साउथ के मुताबिक फायरिंग गाड़ी में सवार नौजवान खावर ने की, और जिस साइड पे खावर गाड़ी अपनी लेके जा रहा था उस साइड से फायर उसने किए हैं, और पीछे वाले लड़के को 2 गोलियां लगी हैं और फ्रंट साइड वाले को भी गोलियां लगी हैं। खावर को अरेस्ट किया गया और उसके साथ ही उसका वेपन भी उसकी प्लांटेशन पे रिकवर कर लिया गया। लगभग 4 घंटे बाद पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 5ों नौजवान कराची के अहम ताजिर के बेटे हैं। नज़र अमीरजादे के हाथों कत्ल होने वाला 18 साला जाफिर फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। जाफिर के अहले खाना कहते हैं कि उसने अभी कॉलेज में दाखिला लिया था और दोस्त के साथ नाश्ता करने दोधरिया तक गया था। घर से नाश्ता करने निकला था, अच्छा खासा तो था, क्या मालूम था ये इसकी जिंदगी का आखिरी नाश्ता होगा। जाफिर के मामू कहते हैं वो तो अभी 18 साल का ही था, कॉलेज में कदम ही रखे थे। ये जुल्म है, जंगल का कानून है। गार्ड रखे हुए, असला दिया हुआ है, जिनके पास कोई वो नहीं है, कोई उनको कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। 18 साल उम्र थी और नाश्ता करने दो दरिया जा रहे थे, और ये वहाँ पे बीच एवेन्यू पे विलेज रेस्टोरेंट है, उसके नजदीक ये हादसा हुआ। जाफिर का दोस्त जैद जख्मी है। जैद के चाचा का खून खौल रहा है। उनका भतीजा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। कोई पूछने वाला नहीं है, तो उन बच्चों को उतर के मारा भी है। वो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको मारा भी गया, हाथों से मारा अलग गया, लातों से अलग मारा और गोलियां अलग मारी है उनको। मुतासिरा खानदान ने कहा मुलजिमान को सजा दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कराची में अमीरजादों के हाथों झगड़े के दौरान कत्ल कोई नई बात नहीं। जरा जरा सी बात पर किसी की भी जान ले लेना बासर और दौलतमंद अफराद का मशगला बन चुका है। मारूफ कार डीलर के बेटे के हाथों नौजवान का कत्ल, ये वाकया अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं। गुज़िश्ता बरसों में ऐसे ही 4 वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। जून 2011 झगड़े पर फायरिंग से नवाब अकबर बुक्ती का पोता मारा गया। वाकये में मुतादिद अफराद ही गोलियों का निशाना बने। दिसंबर 2012 सिकंदर जतोई के बेटे शाहरुख जतोई के हाथों शाहजेब का कत्ल हुआ। अप्रैल 2013 तालिब इल्म हमजा ने अपनी खातून दोस्त के साथ बदतमीजी से अपने शुएब दोस्त को रोका, लेकिन शुएब के गार्ड ने फायरिंग कर डाली, जिससे हमजा जांबहक हो गया। मई 2014 में SSP गुलाम सरवर अबड़ो के बेटे ने एक घर पर फायरिंग करके सलमान लाशारी को कत्ल कर दिया।
ये तमाम कत्ल मामूली झगड़े के नतीजे में हुए। नजर नौजवान जाफिर को कत्ल करने वाला खाविर बारूद और बंदूकों का शौकीन है और खतरनाक असलहे से खेलना उसका मशगला मालूम होता है। खावर को बारूद से खेलने का शौक है, तस्वीरें ये सब वाजे कर रही हैं। ये बिगड़ा लड़का कराची का खावर है जिसके अंदाज इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि किसी को मार डालना इसके बाएं हाथ का खेल है। बंदूक से खेलना और बारूद से प्यार करना इसके मशगलों में शामिल है। सवाल ये है कि 26 साल की उम्र में असलहे से खेलने ने कहीं इसकी कुव्वत बर्दाश्त पर असर तो नहीं डाला। और अब कुछ बात करते हैं सियासत की। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने एक बार फिर अदलिया और मुख्तदर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि क्यों हर बार वजीर आजम ही गलत होता है, क्या कोई और गलती नहीं करता, दूसरों का एहतसाब क्यों नो गो एरिया बन जाता है, नजरिया जरूरत को अब दफन करना होगा। बिल्कुल, लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक आज बात कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि PSP का कोई मुस्तकबिल नहीं, लेकिन कुछ दोस्तों का पार्टियां बनाने का शौक ही पूरा नहीं हो रहा। साद रफीक ने जावेद हाशमी के बारे में भी बात की और वो उन्हीं की किताब की तकरीबन रोनमाई से खिताब कर रहे थे। समझते थे एक आजाद इंडिया का ख्वाब जो हमने देखा था वो शर्मिंदा ताबीर हो गया। कैसे फैसले कर दिए जाएं जिन पर सवालिया निशान ही लगते चले जाएं, ऐसे फैसले पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं करेगी। नजरिया जरूरत को कबूल नहीं किया जाएगा। चंद आदमी किस्मत का, कौम की किस्मत का फैसला नहीं करेंगे, करेंगे तो नहीं मानेंगे। कुछ हो जाए कोई कीमत उसके बाद बिल्कुल नहीं। हमने मियां नवाज शरीफ को वोट डाल के वोट की ताकत से उनकी अदालती नाअहली के बावजूद अपना सदर बनाया है, हमें इस पर फख्र है। कौन सा वजीर आजम है जिस पर इल्जाम नहीं लगा, माफी नहीं मिली किसी वजीर आजम को। हर बार वजीर आजम ही गलत होता है, कभी चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ स्टाफ गलत नहीं हो सकता। क्यों परवेज मुशर्रफ का हम एहतसाब नहीं कर सके, क्यों चीफ जस्टिस बदे इफ्तिखार चौधरी उनके बेटे का मामला आया तो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। पॉलिटिशियंस को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को रगड़ दो, मसल के रख दो, बाकी यू कांट टच। ये लोगो एरिया है, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। अथॉरिटी ड्राइव क्यों नहीं कर सकता जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सूबे का हो या वो मरकज का हो। लेकिन आप जब दीवार के साथ लगा देंगे सियासी जमातों को, आप सैंड बैग बना सकते हैं। एक जमात फेल हो जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। अगर खुदा का खास्ता किसी मुल्क की फौज फेल हो जाएगी तो मुतबादल फौज किधर से आएगी। ना अफवाज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना अफवाज को मुतनाज़ा बनने की खुद कोशिश करनी चाहिए। हम बात ना करें तो लफ सी नहीं सकते, बात करें तो ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि आप अदारों से तसादुम करते हैं। करना दो नजीर भुट्टो की शहादत ना होती तो आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल लीडर पैदा करने की एक और कोशिश, अब उसे कौन समझाए, समझ आएगी पर मछली पत्थर चाट के आएगी कि एक ट्रक और उसमें भाई इमरान खान को भी आगे बैठना पड़े। मैं ये नहीं चाहता, हम नहीं चाहते किसी को नाअहल किया जाए। क्यों पॉलिटिशियन सियासी लड़ाई को अदालत के अंदर लेके जाते हैं, सियासी लड़ाई मैदान में लड़ो ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मसूरी तौर पे बनाई जाएगी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके एक मिसाल PSP है। हमारे दोस्तों को ये बात समझ ही नहीं आती बात को, उनका शौक ही नहीं खत्म होता जमातों के कत्ले करने का और डबल रोटी के स्लाइस करने का। इस तरह कुछ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने एक बार फिर नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की है। चिश्तिया में जलसा आम से खिताब में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं वो नजरिए का नाम है, लेकिन दरअसल उनका नजरिया करप्शन है। नवाज शरीफ ने जो दौलत लूटी है उसे वापस लाएंगे। चेयरमैन नैब वजीर दाखिला एहसन इकबाल के इकामे की भी तफ्तीश करें। नवाज शरीफ ने एबटाबाद में जलसा किया और कहता कि मुझे नया पख्तूनख्वा नहीं नजर आ रहा। नवाज शरीफ, नया पख्तूनख्वा तो ये है कि आप एबटाबाद में खड़े होके बुलेट प्रूफ स्क्रीन के बगैर तकरीर कर रहे हो। फैजाबाद के धरने के बाद मैंने देखा कि जिस जोश व खरोश से नून लीग वाले ने ये जुमे को मिलाद बनाया इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। नवाज शरीफ, ये पैसा नहीं बचेगा, ये हम पाकिस्तान में वापस लेके आएंगे। नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है, नजरिया करप्शन। उस नजरिए के साथ आज जो भी नवाज शरीफ आपके साथ लोग मिल रहे हैं उनका भी एक ही नजरिया है, करप्शन। जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आपसे इस सारे मजबे के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जो एहसन इकबाल है
उसका भी इकामे को इन्वेस्टिगेट करें। उसका सऊदी अरेबिया में इकामा है, गली गली में शोर है, सारा टप्पर चोर है। उधर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि आज रियासत के बाज़ इदारे अपने ही इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो खतरनाक है। सियासी खिलाफात जितने भी हों, मगर पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरी तसलसल रोकने पर समझौता नहीं करेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो चाहते ये हैं कि पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे और जमहूरियत के साथ मजाक न किया जाए। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मगर जमहूरियत के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। यही है जो आज कल रियासत के साथ जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अदारे अदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो इसके लिए बहुत ख़तरनाक है। बावजूद इतने हालात के और जो कुछ सियासत इस मुल्क में हो रही है, अनफॉर्चुनेटली जो अदारों की जंग है, जो रियासत की के आगे मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इस मुल्क की जमहूरियत आगे बढ़े और जमहूरियत पे कोई कम्प्रोमाइज ना हो, डेमोक्रेसी के साथ कोई मजाक ना किया जाए और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे और जमहूरी अदारे मजबूत हों। नूली की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के क्याम के फौरी बाद इजलास भी तलब कर लिया गया। कल होने वाले इजलास की सदारत नवाज शरीफ करेंगे। अहम सियासी फैसले मुतवक्के हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ सियासी दबाव के खात्मे के लिए मुसलसल सरगरम। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास बुला लिया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की सदारत में सीईसी का पहला इजलास पंजाब हाउस इस्लामाबाद में होगा, जिसमें वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक होंगे। इजलास में वजीर आजम आजाद कश्मीर, वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल, चौधरी निसार और राना सनाउल्लाह भी शिरकत करेंगे। इजलास में दरपेश सियासी चैलेंजेस पर मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्याम गुज़िश्ता रोज ही अमल में आया था, जिसमें मरियम नवाज और हमजा शहबाज को पहली मरतबा शामिल किया गया है। कमेटी के अरकान की तादाद 27 है। नाज़रीन, सियासी ख्वाबों के शहंशाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात का ख्वाब देख लिया है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात भी हो सकती है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान ही काफी हैं। ख्वाबों के वजीर मंजूर वसान ने नए ख्वाब देख लिए। कहते हैं सर्दियों में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी या मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में मुलाकात हो सकती है। हो सकती है मुलाकात नवाज की जरदारी साहब की, और ये भी हो सकता है कि मरियम नवाज और बिलावल। मंजूर वसान ने कप्तान पर भी तंकीद की। कहा सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान ही काफी हैं। पीडीए या कुछ दूसरे नामों से हमेशा 90s के अधवार के बाद पार्टियां बनी है, सपोर्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट के पास भी इतनी गुंजाइश पीडीए की नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान भी है और उसके साथ साथ दूसरी पार्टियां। मंजूर वसान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा जिद्दोजहद की है। पीर हमीरुद्दीन सियालवी की जेब में पड़े लीगी अरकीन असेंबली के इस्तीफे बचाने के लिए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। पीर सियालवी से फोन पर राब्ता किया, तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी कराई। लाहौर से देखिए कमर जब्बार की रिपोर्ट। सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी की तरफ से राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के मामले की डेडलाइन खत्म होने से कुछ देर पहले ही वजीर आला पंजाब मुतहरिक हो गए। पीर सियालवी से टेलीफोनिक रबते में न सिर्फ मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि उन्हें ठंडे मिजाज से काम लेने का भी मशवरा दिया। पीर हमीदुद्दीन सियालवी के साहबजादे कासिम सियालवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि देखते हैं वजीर आला इस मामले को कैसे हल करते हैं। नामों से रिसालत के लिए और खत्म के लिए हमारा मौकिफ वही है, हम उस पर कायम है। और इसी सिलसिले में जो है सीएम साहब की बात हुई है, अगर साहब से
और उन्होंने कि बहुत जल्द चंद रोज में वो शाशरीफ दरबार शरीफ आएंगे। पीर हमीदुद्दीन सियालवी का दावा है कि 15 अराकीन असेंबली के इस्तीफे उनके पास के हैं। देखना ये है कि वजीर आला सूबाई वजीर कानून समेत अपनी जमात के कितने अराकीन के इस्तीफे बचाने में कामयाब होते हैं। कमर जब्बार, आज न्यूज, लाहौर।